हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी और बढ़िया सी चाट। जी हाँ, चाट भी हेल्दी हो सकती है। स्टीम करे हुए पोहे से बनाएंगे चाट, यानी कि भाप से बने हुए पोहे की चाट, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत इजी तरीके से और झटपट से बन जाएगी। तो बनाते हैं भाप से बनी हुई पोहा चाट। भाप से बनी हुई पोहा चाट के लिए इस तरीके से हम एक छन्नी लेंगे। स्टील की छन्नी होती है जिसमें आप सब्जी वगैरह साफ़ करते हैं, और इस तरीके से नीचे कोई भी आप बर्तन रख लेंगे। इसको हम उस बर्तन के ऊपर रखेंगे। बर्तन बड़ा होना चाहिए छन्नी से। इस तरीके से रख कर अब मैंने ये एक कटोरी, मतलब ये एक छोटी कटोरी जो होती है वो मैंने पोहा की ली है। आपने अगर चाट ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा पोहा लीजिए अपने ज़रूरत के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, इस पोहे को इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको धो लेंगे। इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से धो ली है और इसका सारा पानी जो है वो इसी में ही ड्रेन हो जाएगा। तो इसको 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं ये देखिए, और ये देखिए पानी जो इसका गंदा पानी था, अच्छे तरीके से हमने इसको धोया था तो पानी सारा गंदा निकल गया है। पोहा अच्छी तरीके से साफ हो गया है। अब हम इसको हटा देते हैं और ये हमारे पास है पोहा। अब हम पोहे में क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये भीगे हुए जो हमने साफ पोहे करे थे, बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा या आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। ये चीनी है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी, आधे से भी कम चम्मच मैंने रखी है, क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा बना रही हूँ इसलिए। अब मैं इसमें डालूँगी ज़रा सी हल्दी, एक चुटकी हल्दी, ये देखिए बस एक चुटकी हल्दी। और इसमें डालेंगे हम हींग। हींग से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 से 1.5 चुटकी हींग डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा मिला देंगे। ये देखिए, ये मैंने मिला दिया है, सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। ये अच्छे तरीके से सब कुछ मिक्स हो गया है। इधर एक पतीले में मैंने पानी को पहले से ही गरम करना रख दिया था, यानी कि इसको हम एक उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है, आप देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो गया है और भाप निकलनी शुरू हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने छन्नी में पोहा जो करा था इसको हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। याद रखिएगा, आपका पतीला थोड़ा जो भी हो बड़ा होना चाहिए छन्नी से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से ढक देंगे। इसको हमने कम से कम, ये पोहा थोड़ा है तो मैं 5 मिनट के लिए रखूँगी, अगर आपका ज़्यादा है तो आप 5 से 10 मिनट के बीच में इसको स्टीम करेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हम एक बार पोहे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें से कितनी अच्छी स्टीम निकल रही है, और पोहा भी जो है वो एकदम बढ़िया सा हो गया है। मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये देखिए एकदम स्टीम से पोहा पक गया है। हम पतीले से निकालकर थोड़ा साइड में रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। तो पोहा जो है ये देखिए ठंडा हो गया है। इसमें से हींग की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसको मैं पोहे को क्या करूंगी, इस तरीके से हम एक कोई भी बाउल ले लेंगे और उस बाउल में मैं ये सारा पोहा निकालूंगी। ये बहुत ही हेल्दी पोहा है। इसको निकालने के बाद अब ये मैंने एक कटा हुआ छोटा सा प्याज लिया है। पोहे की क्वांटिटी के हिसाब से आपने हर चीज़ की क्वांटिटी रखनी है। तो ये बिल्कुल बारीक कटा हुआ एक छोटा सा प्याज है। इसी तरीके से एक बिल्कुल छोटा सा टमाटर, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। ये बिल्कुल छोटा सा एक आलू उबाल कर काट लिया है मैंने। इसमें मैं डालूंगी 1 से 2 चम्मच इमली का पल्प। आप चाहे इसमें खीरा या जो भी कॉर्न्स वगैरह, आपने जो भी डालना है आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है आप डाल सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल हेल्दी तरीके से और सिंपल सिखा रही हूँ। और इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, आधे से थोड़ा सा कम चम्मच चीनी, और बाकी हमने सब कुछ डाल दिया था। इसमें मैं डालूँगी जरा सी लाल मिर्ची, बिल्कुल हल्की सी, 1 से 1.5 चुटकी। और इसमें हम डालेंगे आधा नींबू।
इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। नमक हम इसमें पहले डाल चुके हैं और चाट मसाला डाला है तो उसमें भी नमक होता है, फिर भी अगर आपको नमक डालना हो तो आप लोग इसमें काला नमक डालिएगा। तो ये देखो ये चाट जो है तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए आप इसको छोटी छोटी कटोरियों में या डोने के पत्तों में, जैसे अगर आप स्ट्रीट फूड की तरह खाना चाहते हैं तो डोनों के पत्तों में, नहीं तो आपको जैसे भी सर्व करनी हो आप कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आप पुदीने के पत्ते और हरा धनिया भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से भाप से बने हुए पोहे की चाट जो है बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही हेल्दी होती है। जो लोग वेट को भी लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से अगर आप हेल्दी ये पोहे की चाट बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और खाने में भी अच्छी लगती है। आप इसको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा कि आपको इस तरह की चाट कैसी लगती है। ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करा करिए, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएँ ताकि न्यू नोटिफिकेशंस जल्दी जल्दी मिलती रहें। थैंक यू।